हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। होप आप सब लोग सेफ होंगे, फाइन होंगे, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ होंगे घर पे। आज का वीडियो आपके स्पेशल रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट स्कीम्स पर बेस्ड हिंदी लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स पिछले कुछ महीनों में जो हुए हैं वो आज कवर करेंगे। चलते हैं, और ये वीडियो MCQ के फॉर्म में नहीं होगा, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो होपफुली ये आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो नीडफुल, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और बताना। तो चलो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। लॉन्च हुआ था ये 2015 में, बट अभी तक का जो आप आंकड़ा देखें तो इसमें 28,68,00,000 लोन सैंक्शन कर दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि मतलब इसमें 51% जो लोग हैं वो SC ST और OBC से हैं, और उसमें भी 68% लोग जो हैं वो वुमेन एंटरप्रेनर्स को ये लोन सैंक्शन किया गया है। गवर्नमेंट कहती है 1.12 करोड़ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है फ्रॉम 2015 to 18, और उसमें भी 62% वुमेन एंटरप्रेनर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ये बताता हूँ। तीन तरीके के लोन कैटेगरी इसमें होती है। एक तो शिशु होता है, शिशु मतलब छोटा धनराशि वाली लोन अमाउंट। एक होता है किशोर, किशोर मतलब मीडियम लोन अमाउंट। और एक होता है थर्ड तरुण, तो तरुण होता है बड़ा लोन अमाउंट। अब छोटा से बड़ा तक में डिफरेंशिएशन क्या किया है गवर्नमेंट ने, जिनको लोन चाहिए अप टू 50,000 वो लोन लेंगे शिशु कैटेगरी के अंदर। जिनको 50,000 से अप टू 5,00,000 रुपीज़ तक का लोन लेना है वो होगा किशोर के अंदर, और अप टू 10,00,000 जिसको लोन चाहिए वो होगा तरुण किशोर। तो मैक्सिमम सीलिंग है 10,00,000 की। और अभी रिसेंटली देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंदर आपको ये बता दूं कि पिछले बार जब कोविड हुआ था, मतलब जब पहला फेज आया था, पहला स्ट्रेन था कोविड का, तो उसमें गवर्नमेंट ने 2% जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था 2% सब्सिडी दिया था कोविड इम्पैक्ट के लिए। और वो किसको दिया था, तो शिशु वाले कैटेगरी को 2% रिबेट मिला था इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, तो ये कंप्लीट मुद्रा योजना के बारे में इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रधानमंत्री आवास योजना। नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण सेक्टर के PMAY ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर बात करें, गवर्नमेंट कह रही है 92% टारगेट अचीव हो गया है फेज वन में। और देखिए टारगेट था 1 करोड़ का, और उसमें 92% इन्होंने अचीव कर लिया है। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया गया था इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि 2011 का सेंसस के बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट क्लासिफिकेशन करके करीब 2.14 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने चाहिए थे। लेकिन फिर एक फील्ड सर्वे कराया गया, लेटर ऑन पता चला कि इसमें से 81,00,000 लोग और मिस कर रहे हैं, और तो उनको भी इस कैटेगरी के अंदर लाया गया। फाइनली 2.95 लाख, मतलब 2,95,00,000 लोगों को इस योजना के अंदर लाकर इस पे सीलिंग लगा दी गई या कैप लगा दिया गया। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आपको बता दूं कि खर्च भी किया अच्छा खासा, जैसा कि देख सकते हैं 19,269 करोड़ 2019-21 में खर्च किया, और एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ भी खर्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के अंदर रखने के लिए। तो इसके कारण जो टारगेट है वो काफ़ी समय पर कंप्लीट होता दिख रहा है। स्मॉल सेविंग स्कीम की बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट का स्मॉल सेविंग स्कीम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और ये इस बार वेस्ट बंगाल ने अभी टॉप किया कंट्रीब्यूशन में। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर वेस्ट बंगाल का देखें तो वो है 90,000 करोड़ का। ठीक है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के आप स्मॉल सेविंग बैंक की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है इसमें। और अगर इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स की और बात करें तो इस जो स्टेट फॉलो किया है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 69,900 करोड़ के आसपास, 600 और 900 एक बार मैं श्योर नहीं, बट 69,000 इज द एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट तो नहीं एग्जैक्ट, ये शायद 9 या 6 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। MP की अगर बात करें तो करीब 63,000 करोड़ यहाँ पर जमा किया गया है, और उसके बाद गुजरात के द्वारा किया गया 48,500-600 के लमसम करोड़ से। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे एक छोटा सा हाईलाइट। और डिजिटल पेमेंट में इंडिया अभी लीड कर रही है, बताता हूँ कैसे। एज पर रिपोर्ट ऑफ UK बेस्ड एक पेमेंट सिस्टम कंपनी जिसका नाम है ACI, जिन्होंने रिसेंटली एक
एक पब्लिश किया था रिपोर्ट, और उसमें ये बताया कि इंडिया रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में 2020 में भी हाई था और अभी भी हाई चल रहा है। अभी आप रिसेंट पिछले महीने की आप बात करें, पिछले तो नहीं, फरवरी से मार्च की हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, फेब में था करीब जो टोटल ट्रांजैक्शन था वो था 4.25 लाख करोड़ का, और वहाँ से 18.67% का ग्रोथ मिला है मार्च महीने में, और अब हो गया है 5.05 लाख करोड़। सो ये जो इंक्लाइनेशन है, इससे बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक चाइना, साउथ कोरिया, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम अभी इंडिया से पीछे चल रही है। और इंडिया कहते हैं कि आने वाले समय में प्रेडिक्ट किया जा रहा है, इसी एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है कि करीब अप टू 50% तक जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होगा, UPI ट्रांजेक्शन्स या फिर और भी डिजिटल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 2024 तक इंडिया अटेंड कर लेगी। और अभी एक और बात जो RBI ने स्टेट किया था कि इंडिया अभी 100 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर डे विटनेस कर रहा है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है जनधन आधार मोबाइल जो है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 2014 में गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम भी था जो आपने जनधन योजना और गरीबों को बेसिकली बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, शायद उसका भी बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। मूविंग अहेड, कैच द रेन कैंपेन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और कैच द रेन कैंपेन में आपको ये जानना ज़रूरी है, ये चलिए बता देता हूँ कैच द रेन में है क्या। वर्ल्ड वाटर डे के दिन ये लॉन्च किया गया था कैच द रेन, और इसका थीम याद रखना ज़रूरी है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहाँ पर गिरे जब ये गिरे, ठीक है। और इस दिन देखिए यहाँ पर एक बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी तो थे ही, साथ में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और शिवराज सिंह चौहान, और साथ में योगी आदित्यनाथ UP के चीफ मिनिस्टर इस इवेंट के दौरान थे, और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये एक तरीके का इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट है। आपको पता है जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था कि इंडिया की सारी रिवर्स को लिंक करना, और उसी के तहत ये एक स्टेप है, और ये जो है केन रिवर को जोड़ेगा बेतवा रिवर से, उसका पानी जाएगा बेतवा रिवर में। अब जब ये कैसे जाएगा तो एक डैम क्रिएट किया जाएगा, और उसी के लिए ये इस डैम का नाम भी मैं लिख देता हूँ DAUDHAN दौधन डैम, और दोनों रिवर को जोड़ा जाएगा। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरीगेट किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 10.62 लाख हेक्टेयर का। सिर्फ रिवर लिंकेज का यही एक बेनिफिट नहीं होता है, इससे करीब 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिलेगी, इनफैक्ट जो एनिमल्स हैं उस रीजन के उनको भी मिलेगा। एक और पॉजिटिव साइड प्रोडक्ट इसका ये होगा कि 103 मेगावाट का यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सेटअप किया जाएगा और बिजली उत्पादन की जाएगी। जो रिवर लिंकेज का इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और जो भी स्टेट हैं उनको ये चीज़ फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अब इसे ये भी आपको बता दूं कि यूपी में बुंदेलखंड नाम का एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी होती है, खासतौर पर मई जून वाले सीज़न में, और वहाँ पर इरिगेशन में काम आएगा, ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पन्ना, छतरपुर, दामोह, दातिया जैसे, विदिशा जैसे जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश की तरफ, वहाँ पर भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ कैच द रेन कैंपेन। समर के बारे में आपको बता देता हूँ कि हाईलाइट्स क्या है। समर देखिए कैंपेन है जो कि झारखंड में रन किया गया, यहाँ पर आप झारखंड की मैप भी देख सकते हैं, और यहाँ पर समर का जो फुल फॉर्म होता है वो स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया रिडक्शन। अब ये मेल न्यूट्रिशन होगा बच्चों के लिए, और एनीमिया रिडक्शन होगा ये है वुमेन्स के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन और जो गाँव की महिलाएँ हैं उनके लिए। और ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है वो 1000 दिन का टारगेट लेकर चला गया है, जिसमें ट्रायल ग्रुप को फोकस मान के चला गया है। अब आपको ये भी बता दो कि मार्च 2017 से जुलाई 2017 के बीच में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था झारखंड में, जहाँ पर 36% जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन चिल्ड्रंस जो हैं, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार थे, और बहुत सारे तो मतलब अंडर 5 ईयर के जो एज के अंदर के बच्चे थे वो स्टंट थे बिल्कुल, और 45% बच्चे अंडरवेट में थे। उसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी, ऐसे लोगों को के लिए क्या किया जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी होता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करेगी और चिल्ड्रंस को मैप करेगी उस रीजन में, और फिर अपने ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर लाएगी। उसी तरीके से एनेमिक वुमेन के लिए भी ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी।
ओके बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की। तो ये बात है राजस्थान की, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और 1 मई से ये कह रहे हैं कि ये जो योजना है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेट्स सी इसमें है क्या। तो एक तरीके के कैशलेस हेल्थ सर्विस है अप टू 5 लाख पर फैमिली, और इसमें कई बार बात की गई बिफोर दिस जो लॉन्च है उसके पहले हमने सुना बजट में, जो राजस्थान का बजट था 2021-22 का, उसमें भी सुना कि 3500 करोड़ इसके लिए डेडिकेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो भी बेनिफिशियरी होंगे आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के, उन सबको इसके अंदर लाया जाएगा। सो बेसिकली इसका होल कॉन्सेप्ट यही है, इंपॉर्टेंट इसमें टेक अवे यही है कि इसमें कैशलेस हेल्थ सर्विस पर फैमिली 5 लाख प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट टू द सबको, नहीं जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, तो ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था पहले, काफ़ी पहले 2014 में, और ये इसका 3rd वर्जन शुरू होना है। तो इसमें होता क्या है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है विमेंस को, औरतों को और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें 12 वैक्सीन इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टिटनस, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया या इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, रेट्रोवायरस, ये सारी चीज़ों के लिए जो है 12 वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है। और इस बार का टारगेट 3.0 का ये है कि जिन सेक्शंस को रीच आज तक नहीं किया गया, जैसे इंटीरियर विलेजेस में, उन सब सेक्शंस को पहुंचा जाए। और टारगेट इसमें ऑडियंस कौन है, तो जो बच्चे हैं 2 साल से अंदर के उनको, और प्रेग्नेंट वुमेन फॉर श्योर। और देखिए इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो काफ़ी बड़ा है, 6.7% पर ईयर के हिसाब से इन द लास्ट 2 फेज की अगर बात करें तो। और जो प्रेजेंट केस है वो करीब 250 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा इंडिया के, इंक्लूडिंग सारे 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौ ग्राम उज्ज्वला योजना, उजाला योजना इस पर हमने डिस्कस किया था, बट देन अगर स्कीम्स के अंदर आ रहा है तो एक बार फिर से कर लेते हैं, सॉरी फॉर दिस। तो इसको लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली वाराणसी में। अब इसमें, अब जैसा मैंने बताया था कि वाराणसी में जो ये लॉन्च किया गया है, ये वर्ल्ड की चीपेस्ट LED गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एट द रेट ऑफ ₹10 ओनली, और सिर्फ ₹10 में आपको मिल जाएगा LED बल्ब। अब ये कैसे होगा, तो देखिए फंक्शन करता है किस तरीके से, कार्बन क्रेडिट के बेसिस पे, और यूनाइटेड नेशंस का एक जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उसके तहत इस स्कीम को लाया गया है। कैसे लाया गया है, अभी देखिए हर कंट्री को अगर जो कार्बन सेविंग करती है या फिर ग्रीन एनर्जी ज़्यादा यूज़ करती है तो उनको मिलता है कार्बन क्रेडिट, और वो कार्बन क्रेडिट जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना आप सेव करेंगे यूनाइटेड नेशंस आपको उतने का इक्विवेलेंट पैसा पे कर देगी। तो उसी तर्ज पे इसको रखा गया है। अब लोग अगर बिजली के ये LED बल्ब यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्लोरोसेंट बल्ब या फिर जो पहले के हैलोजन बल्ब से जो भी बल्ब आते थे CFL बल्ब्स, तो उनके जगह अगर वो यूज़ करेंगे तो बिजली बचेगी, कार्बन एमिशन बचेगा, और ये जो कार्बन एमिशन बचेगा उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलेगा और फिर यूनाइटेड नेशन से उतना पैसा मिल जाएगा। तो देखिए अब इसमें ये है कि ₹60 जो है, ₹60 ये कार्बन क्रेडिट के थ्रू आएगा, मतलब इतना कार्बन बचाया जा सकता है LED बल्ब यूज़ करके गाँव में, और ₹10 देंगे वहाँ के लोग, जो लोकल रेसिडेंट हैं गाँव के लोग हैं, ₹10 सिर्फ पे करेंगे, तो टोटल जो है वो हो गया ₹70 का बल्ब। तो इस तरीके से काम करेगा, और जो सरकार है वो फ्लोरेसेंट बल्ब या इनकैंडेसेंट बल्ब थी वो सब ले लेगी आपसे, और आप उसके बदले में आपको ये बल्ब दे देगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे इस इनिशिएटिव से 2025 मिलियन किलोवाट पर ईयर गवर्नमेंट सेव करना चाह रही है, और इससे एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे मैंने बोला 1.65 मिलियन, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1.65 मिलियन पर ईयर बचाया जा सकता है। तो ये इतना का समझो आप पैसा यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट रिलीज करेगी। इसको फेज़ वन में रिलीज किया गया था आरा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में 15 लाख बल्ब अकेले वहां पर बांटे गए थे, और अदर प्लेसेस जो आइडेंटिफाई की गई है वो है विजयवाड़ा, नागपुर, वेस्टर्न गुजरात, ऑब्वियसली इन सब का जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो होपफुली यहाँ पर आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिल गया होगा इससे लेकर। अब इस वीडियो को आई थिंक यहाँ पर एंड करते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ और भी हैं मेरे पास मैप्ड जो कि स्कीम्स हैं, आपको अगर वो भी चाहिए हो तो ज़रूर डू कमेंट, मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और घर से आप पढ़ाई करो यार, और
कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. द सेकेंड स्ट्रेन इज़ वेरी वेरी यू नो इन्फेक्शियस. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बी सेफ, बी हेल्थी.